फ्रेंड्स, आज हम BJT ट्रांजिस्टर की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में तीन कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस किया था, जिनमें कॉमन बेस थी, कॉमन एमिटर थी और कॉमन कलेक्टर थी। तो आज हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ BJT ट्रांजिस्टर, इसको हम डिस्कस करेंगे, ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली फॉल करता है डीसी बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर टॉपिक में। जब हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डीसी बायसिंग करते हैं, यानी उसके दोनों जंक्शंस हैं उनके ऊपर डीसी बैटरीज अप्लाई करते हैं। ट्रांजिस्टर कोई भी काम कर रहा हो, एम्पलीफायर का काम कर रहा हो या स्विच का काम कर रहा हो, बाहर तौर ये दो बैटरीज हमेशा उसके ऊपर कनेक्टेड होती हैं। अदर देन के अगर कोई और सिग्नल हम उसमें से पास कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर हमेशा इन दोनों बैटरीज के साथ काम करता है, तो इसे हम डीसी बाइसिंग कहते हैं। यानी कि ट्रांजिस्टर के ऊपर डीसी बैटरीज आपके अप्लाई करने को हम डीसी बाइसिंग कहते हैं। तो डीसी बाइसिंग के तीन तरीके थे, एक जिनमें हम इसके कॉमन, इसके एमिटर, बेस और कलेक्टर तीनों जंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, और वक्तन वक्त हम इनमें से एक जंक्शन को ग्राउंड कर देते हैं या उसको हम कॉमन कर देते हैं बाकी दोनों जंक्शंस के दरमियान, बाकी दोनों टर्मिनल्स के दरमियान। तो इसको हम जस्ट एक रिवाइज कर लें। हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। मैं NPN ट्रांजिस्टर को सामने रखते हुए कॉन्फ़िगरेशंस बनाऊंगी। NPN ट्रांजिस्टर के अंदर अगर हम कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो बेस ये वाला रीजन होता है, और ये जो एरो वाला रीजन है, एरो वाला जो टर्मिनल है ये एमिटर का है और ये कलेक्टर का है। बेस को यहाँ पर ग्राउंड कर दिया जाता है और एमिटर के ऊपर जो है वो इनपुट दे दी जाती है और कलेक्टर के ऊपर से आउटपुट ले ली जाती है, सॉरी कलेक्टर से आउटपुट ले ली जाती है। इसी तरह से अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें उस वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है, जिसमें एमिटर को ग्राउंड कर दिया जाता है, बेस के ऊपर जो है वो एवी इनपुट सप्लाई कर दी जाती है और कलेक्टर से आउटपुट ले ली जाती है। इसी तरह से अगर हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें हम कलेक्टर को ग्राउंड कर देते हैं और एमीटर से हम आउटपुट ले लेते हैं, एमीटर से आउटपुट ले लेते हैं और इनपुट हम बेस पर ही रहने देते हैं। ये इस तरह की जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन, जिनमें किसी एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाता है बाकी दो जंक्शंस के साथ, तो उसको हम उस नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस की अपनी अपनी एप्लीकेशन हैं, लेकिन इस वक्त हम इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से इसको एनालाइज करेंगे। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर जब हम मुकम्मल तौर पर उसको कनेक्ट करते हैं तो ये आपको पता है कि ये दो पीएन जंक्शन डायोड हैं एक्चुअली, जिनमें से एक बेस कलेक्टर है और एक एमिटर बेस है। तो हम इन दोनों पीएन जंक्शन डायोड्स को के साथ बैटरीज अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनपुट लूप, जो कि जो लूप इसको ड्राइव कर रही है ट्रांजिस्टर को, वो बेस एमिटर लूप होती है, और यहाँ पर हम एक लिमिटिंग रजिस्टर RB को कनेक्ट करते हैं। और अगर ये ट्रांजिस्टर जो है ये NPN है और हमने इसको बेस एमिटर जंक्शन जो है उसको हमने रिवर्स बाइस करना हो, फॉरवर्ड बाइस करना होता है, तो हम इस बैटरी को इस कॉन्फ़िगरेशन में अप्लाई करेंगे। इसमें बैटरी का पॉजिटिव बेस के साथ कनेक्ट होगा और बैटरी का नेगेटिव जो है वो एमिटर के साथ कनेक्ट होगा, और साथ ही साथ ये ग्राउंड भी होगा। और आप देखेंगे कि ये इनपुट लूप, या इसको मैं लूप वन कह सकती हूँ, और ये इनपुट लूप भी है इसकी, और चूंकि एमिटर ग्राउंड है और यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है वो बेस के साथ कनेक्टेड है, तो हम इसको VBB से रिकग्नाइज करेंगे इस बैटरी को। और इस सर्किट का जो, इस लूप का जो करंट है वो IB करंट है, इस लूप का जो करंट है वो IB करंट है।
इसी तरह से हम अगर इसकी जो आउटपुट लूप है, आउटपुट लूप को अगर हम देखें तो वो कलेक्टर के साथ हम एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आरसी, और चूंकि कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है तो ये पॉजिटिव साइड इसका एन टाइप कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा बैटरी का, और नेगेटिव साइड जो है वो ये देखें एमीटर कॉमन हो गया दोनों लूप्स के अंदर, और एमीटर साथ ही साथ ग्राउंड भी हो गया। एमीटर जो है वो जीरो वोल्ट का है। तो अगर मैं इन तीनों टर्मिनल, तीनों जो रीजन्स हैं ट्रांजिस्टर के, उनके करंट्स को देखूं, तो मेरे पास जो एक कन्वेंशनल सिंबल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यानी कि बेस में जाने वाला करंट, बेस में जाने वाला करंट आई बी, कलेक्टर से निकलने वाला करंट आई सी, और एमीटर से ग्राउंड की तरफ जाने वाला करंट आई। लेकिन सरेजस यहाँ पर आई ई की बात नहीं हो रही क्योंकि आई ई जीरो, आई ई जो है वो एमीटर आपका ग्राउंड है, इसलिए यहाँ पर इस लूप के करंट की बात हो रही है, लूप वन के करंट की, और इस पूरे लूप में जो करंट है उसको आई बी के नाम से रिकग्नाइज किया जाएगा क्योंकि बेस इसकी जो है वो हाई साइड तक कनेक्टेड है। इसी तरह से जब हम लूप टू की बात करेंगे तो ये इसकी बेसिकली आउटपुट लूप होती है, यानी यहाँ से हम आउटपुट हासिल करते हैं क्योंकि कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। तो यहाँ पर हम जो है वो करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी, और ये आई सी जो है वो इस लूप का करंट होगा। तो आई सी को लिमिट करने के लिए हमने आर सी कनेक्ट की है, और आई बी को लिमिट करने के लिए हमने आर बी कनेक्ट की है। इसका मतलब है कि आई सी RC पर डिपेंड करता है और IB जो है वो RB पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ वो अप्लाइड बैटरीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर अप्लाइड बैटरीज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इन दोनों करंट्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इसके साथ मैंने आपको एक और बात भी लास्ट टाइम बताई थी, अगर मैं इसकी ये सैंडविच जो है वो डायग्राम देखूँ ट्रांजिस्टर की, तो ये N P N ट्रांजिस्टर है, और इसमें ये एमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। तो एमीटर से आने वाला करंट जो है वो बेस में दाखिल हो जाता है, एमीटर से आने वाला जो करंट है वो बेस में दाखिल हो जाता है, और बेस से फिर आगे वो कलेक्टर के अंदर दाखिल हो जाता है, जबकि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है, 0.7 वोल्ट तकरीबन ले रहा होता है, और जो आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होता है। लेकिन बेस रीजन को इतना थिन बनाया जाता है कि एन टाइप में से आने वाले मेजॉरिटी कैरियर बेस रीजन को क्रॉस कर जाते हैं और कलेक्टर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इट मींस कि ये जो यूनि डायरेक्शनल करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, और आई ई से आई बी और आई बी से ये आई सी में कन्वर्ट हो रहा है। आई सी आई ई जो है वो इन दोनों का सम होता है, आई बी प्लस आई सी। आई बी चूँकि इंतहाई कम होता है तो हम कह सकते हैं कि सिंस आई बी इज वेरी स्मॉल, ये माइक्रो एम्पेयर में होता है, आप कह लें इन माइक्रो एम्पेयर्स, जबकि आई ई एंड आई सी आर इन मिली एम्पेयर्स, इन मिली एम्पेयर्स, और आई ई इस लिहाज से आई ई तकरीबन आई सी के बराबर होता है। इसके अलावा हम जब ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि बेस से आने वाला जो करंट है वो कलेक्टर करंट को जनरेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आई बी कंट्रोल्स आई सी। तो इस सूरत में हम ये भी दावा करते हैं कि आई बी जो है वो इंतहाई कम होता है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कलेक्टर करंट जनरेट होता है, क्योंकि कलेक्टर रीजन बड़ा होता है और आई बी से आने वाले जो कैरियर हैं, क्योंकि आई बी रीजन में माइनॉरिटी कैरियर थे लेकिन वो कलेक्टर के लिहाज से वो मेजॉरिटी कैरियर बन जाते हैं, तो ये इस ज़्यादा करंट को जनरेट करता है। तो इसका मतलब है कि आई बी जो इंतहाई स्मॉल वैल्यू थी करंट की वो बहुत ज़्यादा करंट को जनरेट कर रही है कलेक्टर रीजन के अंदर, और इसे हम कहते हैं कि ये एम्पलीफिकेशन का अमल है, यानी कि करंट जो है वो यहाँ पर एम्पलीफाई हो रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर जो है उसकी डिज़ाइन में ये उसकी एबिलिटी होती है, या उसका एक फीचर होता है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा, और इसके साथ साथ आईसी को अगर हम ज़्यादा डिस्कस करें तो आईसी
करंट है वो पीछे से आने वाले करंट का मजमुआ है, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स का जो करंट था वो यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे, प्लस चूंकि ये आईसी जो है ये रिवर्स वाइज जंक्शन यहाँ पर बना हुआ है, तो रिवर्स वाइज जंक्शन का मतलब है कि रिवर्स करंट भी होगा यहाँ पर, यानी थोड़ा सा माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी करंट होगा यहाँ पर, और माइनॉरिटी कैरियर्स का करंट भी इसमें शामिल होता है, तो ये आईसी इन दोनों करंट्स का मजमुआ होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स का करंट भी इसमें शामिल होता है, और ये आमतौर पे कह लें कि ये माइक्रो या नैनो एम्पेयर में होता है ये, जबकि ये तकरीबन मिली एम्पेयर में होता है। तो अगर पीछे से आने वाले मेजॉरिटी कैरियर ऑफ कर दिए जाएं, यानी कि पीछे से फ्लो रोक दिया जाए, बेस इमिटर जंक्शन बंद कर दिया जाए, ऑफ कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, तब भी कलेक्टर में माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि अगर कलेक्टर की ऊपर बैटरी लगी हुई है, कलेक्टर रीजन जो है ये काम कर रहा है, तो उस सूरत में तब भी यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर की वजह से रिवर्स करंट ज़रूर होगा। ये बात हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो करंट्स की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है, और ये मैंने आपको बता दी। अच्छा, इस लिहाज से यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आई बी आई सी को ड्राइव करता है, तो इट मीन्स के आई बी अगर बढ़ेगा तो आई सी भी बढ़ेगा, तो कंट्रोलिंग करंट जो है वो हर लिहाज से आई बी है। सो इफ आई बी इंक्रीजेस, इफ आई बी इंक्रीजेस आई सी इंक्रीजेस, लेकिन इंक्रीज किस तरह करता है कि अगर एक चीज़ 2 गुना बढ़ी है तो दूसरी मुमकिन है 200 गुना बढ़ जाए, तो इन दोनों की जो रेशो है उसको कहा जाता है बीटा डीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिस्टर का, बीटा डीसी, और ये दोनों करंट्स की डीसी बायसिंग के दौरान दोनों करंट्स की ये रेशो होती है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईसी जो होगा वो बेसिकली बीटा डीसी इंटू आईबी होगा, यानी कि बीटा टाइम्स आईबी होगा, और ये जो बीटा होता है ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये 100, 200, 300 तकरीबन इतनी वैल्यू होती है इसकी। तो इट मीन्स के आपका जो कलेक्टर करंट है वो अगर बीटा सपोज 100 है तो इट वुड बी 100 टाइम्स आई बी, तो ये इतना ज़्यादा होता है। तो आई सी को निकालने के बहुत से तरीके हैं, अगर हमें आई बी पता चल जाए तो हम आई सी फाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें उस ट्रांजिस्टर का बीटा भी हमें पता होगा डेटा शीट से जो कि मैन्युफैक्चरर ने दिया होता है, इस तरीके से हम आईसी को मैयर कर सकते हैं। तो अब हम ने करंट्स की इसकी तो डिस्कशन हमने कर ली, अब हम देखते हैं कि इसका जो डीसी एनालिसिस है वो किस तरह से काम करता है, यानी कि इस सर्किट के अंदर 2 लूप्स लगी हुई हैं, एक इनपुट लूप है और एक इसकी आउटपुट लूप है। तो ये दोनों लूप्स जो हैं इनमें वोल्टेज ड्रॉप्स किस तरह से होते हैं और करंट किस तरह से होते हैं और कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिनसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके डीसी एनालिसिस की बात करें तो हमें ये डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन जो कि मैंने पहले भी बनाया है, तो ये आर बी, और ये याद रखिए कि आई एम डिस्कसिंग एन पी एन कॉन्फ़िगरेशन, एन पी एन, और मैं पी एन पी भी कंसिडर कर सकती हूँ, फर्क सिर्फ ये होगा कि करंट की डायरेक्शन और बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स होगी, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। तो ये बेस के ऊपर लगने वाली जो बैटरी है इसको हम वी बी बी कहते हैं, डबल सबस्क्रिप्ट के साथ इसको डिनोट करते हैं, और ये एमीटर 0 वोल्ट पर है और ये हमारी लूप 1 है। लूप 1 में चलने वाला जो करंट है वो आई बी है और आई बी को कंट्रोल कर रही है आर बी। तो अगर हम आई बी फाइंड करना चाहें तो वो आर बी से हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वी बी ओवर आर बी, क्योंकि आर बी में जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज वी बी, आर बी में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी बी के बराबर है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक और वोल्टेज भी मौजूद है जो कि इसके एमीटर से बेस जंक्शन के दरमियान है, और उसको हम कहते हैं बेस टू एमीटर वोल्टेज, और ये आम हालात में जब ट्रांजिस्टर काम कर रहा होता है तो ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट होती है। तो अगर मैं इस लूप का एनालिसिस करूँ, इस लूप का अगर मैं एनालिसिस करूँ
तो ये यहाँ पर अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल टू लूप वन, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देते हैं, तो वी जो है ये दो वोल्टेजेस में डिवाइड हो रही है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर बी एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी एस टू मीटर जंक्शन, जो कि तकरीबन 0.7 वोल्ट है। तो यहाँ से हम पोटेंशियल ड्रॉप वी बी का फाइंड कर सकते हैं, और ये होगा वी डबल बी माइनस 0.7 वोल्ट। इसके अलावा हम इस लूप के अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स के को भी पोटेंशियल असाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस लूप के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स को पोटेंशियल असाइन करूँ कि वहाँ पर पोटेंशियल पॉइंट पर वैल्यू क्या है वोल्टेज की, तो इस तरह से मैं असाइन कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट है 0 वोल्ट पर और ये पॉइंट भी 0 वोल्ट पर होगा डेफिनेटली। ये पॉइंट जो है प्लस वी बी बी के बराबर है, जो भी वैल्यू है इसकी 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये पॉइंट भी प्लस वी बी बी के बराबर होगा। ओके, और ये जो पॉइंट है वी बी, ये जो पॉइंट है ये बेस टू एमीटर जंक्शन को शो कर रहा है, यानी कि 0.7 वोल्ट। तो ये एमीटर अगर 0 वोल्ट पर है तो फिर बेस 0.7 वोल्ट पर होगी ना, बेस 0.7 वोल्ट पर होगी। अब ये अगर मैं इस यहाँ पर जो ड्रॉप है अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ, तो वो ड्रॉप डेफिनेटली इसको इसमें से माइनस करने से आ जाएगा, और यही चीज़ हमें जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि ये फार्मूला हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम ये फार्मूला ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसी के साथ ही साथ हम आई बी को इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें आई बी पता हो और वी बी हम निकालना चाहें तो हम ओम लॉ सिंपल भी लगा सकते हैं। इस लूप के अंदर ये तीन इक्वेशंस होंगी जो इस लूप के करंट और वोल्टेज की असल सूरत हाल को बताएंगी। इसके अलावा जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि वो किस तरह से हैं। अब हम आउटपुट लूप की बात करते हैं, जो कि इसकी लूप टू है और बेस टू कलेक्टर जंक्शन के दरमियान लगी हुई है। तो अब हम इसको यहाँ पर इसकी आउटपुट लूप बनाते हैं। तो ये कलेक्टर है, कलेक्टर के ऊपर हमने आर सी लगा दी, और आर सी चूँकि ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर हमने वी भी अप्लाई कर रखी है, और ये हमारा जो है ये मीटर ग्राउंड है। तो ये कलेक्टर है, ये मीटर है, और ये बेस है, एंड दिस इज NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। तो ये यहाँ पर हम इसको रिवर्स बायस करने के लिए जंक्शन को पॉजिटिव साइड बैटरी का कनेक्ट करेंगे, और बैटरी का नाम रख देंगे VCC, क्योंकि एमिटर ग्राउंड है तो कलेक्टर के लिहाज से आइडेंटिफाई की जाएगी। और ये देखिए जरा, ये हमारी आउटपुट लूप हो गई, इसको हम लूप टू कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट लूप टू। और ये जो लूप टू है इसके अंदर जो करंट है वो उसका नाम है IC, करंट का नाम है IC। और अगर मैं इन पोटेंशियल यहाँ पे इनको पोटेंशियल पॉइंट्स असाइन करूँ, तो ये जो एमीटर है ये 0 वोल्ट पर है, और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर प्लस VCC के बराबर वोल्टेज है, ये भी 0 वोल्ट है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कलेक्टर के, यानी कि आप कह सकते हैं कि कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है। तो आर सी जो होगी आपकी, आर सी वो वी सी सी में से वी सी ई को माइनस कर दें, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी सी होगा। तो वी सी अगर मैं इसके ऊपर के वी एल इक्वेशन लगाऊं, अप्लाइंग के वी एल इक्वेशन, अप्लाइंग के वी एल इक्वेशन टू लूप टू, लूप टू, तो लूप टू वुड बी
वी डबल सी इक्वल टू वी सी प्लस वी सी टू ई, पूरा कलेक्टर से एमिटर जंक्शन हम लेंगे. ओके, और यहाँ पर वी सी जो है उसको हम आई सी आर सी भी लिख सकते हैं. आई सी निकालने का तरीका मैंने आपको ऊपर बताया कि वो बीटा की वैल्यू अगर हमें पता हो और आई बी की पता होगा, हम उससे भी आई सी फाइंड कर सकते हैं. आई सी को मुख्य तरीकों से फाइंड किया जा सकता है, और वी सी को कॉरस्पॉन्डिंगली इस फार्मूले से फाइंड किया जा सकता है. इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई सी आर सी प्लस वी सी ई. अच्छा, अब आप वी सी ई कैसे फाइंड करेंगे? आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वी सी जो है, वी सी जो टू ई जो है वो वी सी यानी कलेक्टर के ऊपर बनने वाली वोल्टेज माइनस एमीटर पे बनने वाली वोल्टेज पॉइंट के बराबर होगी, पोटेंशियल ड्रॉप के यानी के बराबर होगी. और वी ई यहाँ पर हमारे केस में चूंकि ये कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ज़ीरो है, उस सूरत में वी सी ई सिंपली वी सी ही के बराबर होगी. तो ये यानी कि इस लूप के अंदर एनालिसिस कुछ इस तरह से होगा. ओके, तो अब अगर हम इसका पूरा एनालिसिस देखें कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो कुछ इस तरह से होगा. और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें आपसे फाइंड आपको कहा जा सकता है कि फाइंड कीजिए, या जो हमारे इंटरेस्ट की होती हैं वो आई सी होती है, आई बी होता है, वी सी होता है, वी बी होता है. इसके अलावा वी बी टू ई जो है वो आपको पता है कि वो 0.7 वोल्ट होगा, और वी सी टू ई हमें चाहिए होता है. वी सी टू बी की हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, हम पूरी वोल्टेज को कंसिडर करते हैं इसकी फंक्शनिंग को देखते वक्त, और ये तकरीबन ये वी सी के बराबर होगा. तो इसी तरह से हम आई बी आई सी फाइंड भी कर सकते हैं यूजिंग ओहम लॉ, जैसे कि ऊपर मैंने डिफरेंट फार्मूले यहाँ पर मैंशन किए हैं. तो अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि आई बी जो है दैट कंट्रोल्स आई सी. इट मीन्स के इफ आई B will increase, if IB will increase, then IC will increase. और increment बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर IB micro ampere में तब्दील हुआ है, increase हुआ है, तो IC milliamps में increase होगा. It means के beta is the ratio which describes both of the values, और इनकी रेशो आपस में इनके कंपैरिजन को बताती है. तो बीटा टाइम्स आई बी जो है आई सी उसके बराबर होता है, और बीटा जो है वो 100 टाइम्स होता है, 100 200 300 इतना बड़ा होता है बीटा. तो इट मींस के इस तरीके से यहाँ पर करंट जो है वो काम करता है. अच्छा, अब हम इस को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आफा ट्रांजिस्टर, जिस तरह हमने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी. ओके, ये कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से हम इसको डिफाइन करेंगे. ओके, हर कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से ये डिफरेंट होंगी, लेकिन होंगी ये डायोड की ही IV characteristics. अच्छा, अब मैं आपको जस्ट recall our diode. जब हम PN junction diode पढ़ रहे थे तो हमने उसकी IV characteristics पढ़ी थी, और forward bias diode जो है वो इस तरह से काम करता है, यानी कि diode के across जो voltage है वो जब तक 0.7 नहीं हो जाती तब तक current कम रहता है, और जैसे ही वो 0.7 हो जाती है और उससे बढ़ती है तो करंट एकदम इंक्रीज कर जाता है. ये फॉरवर्ड बाइस रीजन था, और रिवर्स बाइस के अंदर दिस इज माइनस आई, और ये जो है ये रिवर्स वोल्टेज की पोलैरिटी को शो कर रहा है. तो यहाँ पे हमने कहा था कि माइनॉरिटी करंट होता है रिवर्स करंट थोड़ा सा, और वो रिवर्स करंट कांस्टेंट हो जाता है थोड़ा सा बढ़ने के बाद, हल्की सी वहाँ पर आप कह रहे हैं स्लोप होती है, और उसके बाद जैसे ही वोल्टेज ब्रेकडाउन रीजन पर आती है, ब्रेकडाउन रीजन यानी कि वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के वैल्यू के बराबर होती है, तो वी एंटर इनटू ब्रेकडाउन रीजन, और यहाँ पर
अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है जो कि डैमेज कर सकता है डायोड को. ये इतना सा जो करंट है ये रिवर्स करंट है. तो बिल्कुल इसी तरह से, और ये रिवर्स बायस कंडीशन है डायोड की. तो ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं और रिवर्स बायस ये हैं. अब हमारे पास जब पीएन जंक्शन डायोड की हम बात करते हैं तो उसमें दो रीजन्स होते हैं. एक उसमें बेस टू मीटर जंक्शन होता है, यानी कि आप यूँ कह लें कि दो डायोड हैं जो कि बैक टू बैक कनेक्टेड हैं. तो वन इज अ बेस टू इमीटर जंक्शन, द अदर इज बेस टू कलेक्टर जंक्शन. ये जंक्शन बेस टू इमीटर जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस. और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉरवर्ड बाइस डायोड की होंगी, जबकि बेस टू कलेक्टर जंक्शन जो है ये रिवर्स बाइस है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो रिवर्स बाइस रीजन वाली होंगी. हैं ये दोनों डायोड और पीएन जंक्शन डायोड की जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही इस पर अप्लाई होंगी. तो सबसे पहले, अच्छा अब जब हम कॉमन इमीटर की बात करते हैं तो उसमें ये जो जंक्शन है बेस टू मीटर वाला, इसके जो आईवी कर्व है उसका नाम हम रख देते हैं बेस कर्व, और इसको इनपुट कर्व भी कहते हैं, इनपुट भी समटाइम्स कहते हैं इनपुट. जबकि ये जो बेस टू कलेक्टर वाला जो जंक्शन है, मीटर तो इसमें कॉमन है, तो इसमें हम इसको कहते हैं कलेक्टर कर्व. इनका नाम होता है कलेक्टर कर्व, और इनको आउटपुट कर्व भी कभी कभी कहते हैं क्योंकि यहाँ से ट्रांजिस्टर की आउटपुट ली जाती है. अब हम इनपुट या बेस कर्व को पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम कलेक्टर कर्व को डिस्कस करेंगे. तो बेस कर्व की अगर बात करें तो वहाँ पर बेस टू मीटर जंक्शन की एक्चुअल बात हो रही है. स्विच का मतलब ये हुआ कि ये दो किस्म के करंट्स के वोल्टेज के दरमियान ये ग्राफ बनेगा. इस लूप का जो करंट है वो आई बी है कॉमन मीटर के लिए, और बेस मीटर जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी बी ई है. तो ये वी बी ई और आई बी के दरमियान बनने वाला ग्राफ है, और ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करेगा जैसे फॉरवर्ड बायस डायोड का करता है, यानी कि ये 0.7 वोल्ट के बाद ये करंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. लेकिन ये वैल्यू चूंकि बेस रीजन बहुत थिन होता है इसलिए ये माइक्रो एम्पियर में होता है और ये वोल्ट्स में होती है. ओके, अब ये तो सादा सी बात हो गई. असल चीज जो है व्हिच इज वर्थ डिस्कसिंग दैट इज कलेक्टर कर्व्स, क्योंकि यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे होते हैं. तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो ये रिवर्स बाइस है. अब रिवर्स बाइस हम इधर थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते थे, लेकिन ट्रांजिस्टर के कर्व्स को समझने के लिए हम कलेक्टर कर्व को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही स्टडी करेंगे. अच्छा, कलेक्टर वाली जो लूप है वो वहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में उसका नाम आईसी है, और इसके अंदर जो क्योंकि ट्रांजिस्टर की बात हो रही है इसलिए ट्रांजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लिया जाएगा कलेक्टर से एमीटर की तरफ, यानी कि वी सी ई और IC के दरमियान ये ग्राफ बनता है. और जब ये ग्राफ बन रहा होता है उस वक्त IB की कुछ मखसूस वैल्यू पीछे से ऑलरेडी आ रही होती है. सपोज हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू सपोजडली यानी कि फर्जी तौर पर 10 मिली माइक्रो एम्पियर हम ले लेते हैं. तो हम 10 माइक्रो एम्पियर के ऊपर ये जो है ना ग्राफ इसको हम बनाएंगे. तो होगा ये कि ये जो शुरू में करंट जो है वो बढ़ेगा और ये चूंकि रिवर्स करंट है, लेकिन ये कलेक्टर का जो करंट है ये स्पेशल करंट होता है. ये इसमें रिवर्स करंट भी होता है और इसमें जो पीछे से आने वाला मेजॉरिटी कैरियर का करंट भी शामिल हो जाता है. इसलिए अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है. लेकिन इस रीजन को यहाँ पर आप देख लें कि ये हमने बढ़ा कर यहाँ पर बनाया है क्योंकि कलेक्टर करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है. तो ये ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं सपोज ये 1 मिली एम्पेयर हो गया, ये मिली एम्प्स में होगा. इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करंट दोनों मौजूद हैं लेकिन ये रिवर्स रीजन के अंदर बन रहा है. अच्छा, जब ये करंट बढ़कर 1 मिली एम्पेयर हुआ उस वक्त अभी बी सी ई की वैल्यू बहुत ही कम थी, ना होने के बराबर थी और कह सकते हैं कि पॉइंट्स में थी. अच्छा, अब जब ये 1 मिली एम्पेयर हो गया उसके बाद ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा. अब बी सी ई की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि ट्रांजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, लेकिन ये करंट कलेक्टर करंट इसका कांस्टेंट हो चुका है
और उसके बाद यहाँ तक कि ये VCE बढ़कर भी ब्रेक डाउन बन जाती है, यानी कि अगर इतनी हम वैल्यू बढ़ा दें कि ट्रांजिस्टर की ब्रेक डाउन वोल्टेज तक चली जाए, तो फिर ये बहुत ज़्यादा करंट पैदा होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे रिवर्स रीजन में होता है, और ये रीजन हमारा ब्रेक डाउन रीजन होगा। तो ब्रेक डाउन रीजन तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम ट्रांजिस्टर के जो बाकी दो रीजन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस कर्व के अंदर तीन रीजन आपको नज़र आ रहे हैं। एक रीजन जो है ये सेंटर वाला जो है, इसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें कलेक्टर करंट कांस्टेंट है और वोल्टेज जो VCE की वैल्यू है वो बढ़कर VCE के बराबर हो जाती है आमतौर पर, और ब्रेकडाउन वैल्यू से पीछे ही रहती है। और यहाँ पर कलेक्टर करंट चूँकि कांस्टेंट है, इसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं। और जब ये कलेक्टर करंट बढ़ रहा था उस वक्त VCE की वैल्यू ना होने के बराबर थी, लेकिन कलेक्टर करंट बढ़ के मैक्सिमम हो गया था, इस रीजन को हम कहते हैं सेचुरेशन रीजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग के हवाले से, और इनको हमेशा आउटपुट कर्व्स या IV कर्व्स के ऊपर डिस्कस किया जाता है और कलेक्टर कर्व्स के ऊपर इनको डिस्कस किया जाता है। अच्छा, जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया उस वक्त पीछे से आने वाला जो IV था वो कॉन्स्टेंट था, और वो हमने सपोज किया हुआ है कि वो 10 माइक्रोएम्पियर था। अच्छा, अब अगर वो 10 माइक्रोएम्पियर था तो इसका मतलब है कि अगर मैं उसको बढ़ा के 20 माइक्रोएम्पियर कर दूँ, 20 माइक्रोएम्पियर कर दूँ, तो ये जो कलेक्टर करंट है ये भी बढ़ जाएगा, और ये बीटा के लिहाज से बढ़ेगा, यानी कि जितने टाइम बीटा इसको अलाउ करेगा ट्रांजिस्टर का उतना ये बढ़ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये इसको मैंने करंट को डबल कर दिया है IV को, तो ये मुझे एक और इसी तरह का कर्व हासिल होगा। और इसी तरह से अगर मैं इसको बढ़ा के 30% कर दूं तो ये मुझे एक और कर्व हासिल होगा। सो इट मीन्स के जैसे जैसे पीछे से IV की वैल्यू बढ़ेगी, IC की वैल्यू जो है वो साइमल्टेनियसली बढ़ती जाएगी। तो सपोज ये 2 mA फिर 3 mA होता जा रहा है, इट मीन्स के IC सेचुरेशन करंट इज इंक्रीजिंग इफ IV इज इंक्रीजिंग। तो ये एक कर्व के लिए ये वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है और अगले कर्व में ये वैल्यू बढ़ गई है, और उससे अगले कर्व में ये वैल्यू मज़ीद बढ़ गई है। इसका मतलब है कि IV करंट बढ़ेगा तो IC करंट बढ़ेगा, लेकिन उसका जो IV कर्व्स हैं वो इस तरीके से उनको ड्रॉ हम करेंगे। तो IC सेचुरेशन वैल्यू जो है ये बढ़ती रहेगी, यानी कलेक्टर करंट बढ़ता रहेगा, और इट विल डिपेंड अपॉन बीटा कितने टाइम्स वो एम्पलीफाई कर देता है कलेक्टर करंट को, और ये वैल्यू हमें मैन्युफैक्चरर ने दी होती है। ओके, अब हम इनके तीनों रीजन्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं और ये ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग को लेटर ऑन डिफाइन करेंगे, जो कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर या एज अ स्विच जब काम करता है तो उस वक्त ये तीनों रीजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ब्रेकडाउन रीजन की यहाँ बात नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम एक और रीजन की बात करेंगे जिसे हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। तो मैं डिस्कस करने से पहले उस रीजन को यहाँ पर बना दूँ। कट ऑफ रीजन जो है वो रीजन होता है जिसमें हम सपोज हम IB को, यानी कि आई इनपुट लूप को ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें, यानी कि IB हमारा ज़ीरो हो जाए। तो IB ज़ीरो हो जाए तो तब भी कलेक्टर करंट, अगर कलेक्टर करंट यानी कि कलेक्टर वाली लूप पर बैटरी ऑन है लेकिन बेस वाली लूप में जो बैटरी थी वो ऑफ कर दी गई है, तो उस सूरत में पीछे से आने वाला जो करंट है वो तो शामिल नहीं हो रहा कलेक्टर में जो बेस से आ रहा था, लेकिन कलेक्टर चूंकि रिवर्स बाइस था इसलिए वहाँ पर माइनॉरिटी करंट ज़रूर मौजूद था, और माइनॉरिटी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो उसको हम माइनस में ले सकते हैं और वो एम्पियर में होता है। तो माइनॉरिटी करंट हम यहाँ पर कहीं पर शो कर सकते हैं, फॉर विच IB इज ज़ीरो और वो कॉन्स्टेंट होता है, उसमें सेचुरेशन करंट वाला रीजन नहीं होता, ब्रेकडाउन तक वो चला जाता है। तो आप कह लेंगे ये एक रीजन होता है जिसको कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसे ऊपर ही बना दिया जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जस्ट पोलैरिटी समझाने के लिए उसको ज़ीरो से नीचे बनाया, तो यहाँ पर बना दिया जाता है। ये वो रीजन है जहाँ पर बेस कट ऑफ है, यानी कि बेस आपकी ज़ीरो, बेस करंट ज़ीरो है, इसको आप कहते हैं कट ऑफ रीजन, जिसमें कलेक्टर में सिर्फ माइनॉरिटी करंट होता है और बेस करंट पीछे से ज़ीरो है, यानी कि इनपुट कुछ नहीं आ रही। तो अब ये तीनों जो रीजन्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेशन रीजन की। ये कौन सा रीजन होता है जिसको हमने कलेक्टर कर्व के ऊपर डिफाइन किया है? तो सैचुरेशन रीजन की अगर बात करें
तो सेचुरेशन रीजन में आप गौर कीजिए कि कलेक्टर करंट तो बढ़ रहा है लेकिन VCE की वैल्यू बहुत ही कम है, पॉइंट्स में होती है। तो आप इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें बेस टू एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर टू बेस टू कलेक्टर जंक्शन बोथ आर फॉरवर्ड बाइस्ड, यानी कि शुरू में ये दोनों जंक्शन ही फॉरवर्ड बाइस होते हैं जब कलेक्टर करंट बढ़ रहा होता है। तो वो रीजन जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएं, वो रीजन यहाँ पर सेचुरेशन रीजन कहलाएगा। इस रीजन में आउटपुट लूप की अगर बात करें तो उसमें आईसी की वैल्यू अपने सेचुरेशन को पहुंच रही होगी और जो बीसीई है वो वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं जो इसका दूसरा रीजन था, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन कौन सा होता है? एक्टिव रीजन वो होता है जिसमें बेस टू एमिटर जंक्शन तो फॉरवर्ड बाइस हो, लेकिन बेस टू कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस हो, जो नॉर्मल ऑपरेशन है इसका। तो जब सेचुरेशन करंट हमें हासिल हो जाता है तो फिर ये कंडीशन हमें मेंटेन हो जाती है और इसमें आईसी इज मैक्सिमम जितना भी वो दे सकता था और वीसीई इज इंक्रीजिंग। और ये ब्रेकडाउन वैल्यू से पीछे पीछे रहती है। ओके, अब हम कट ऑफ रीजन की बात करते हैं, जो कि हमने उस वक्त बनाया जब बेस करंट यानी बेस वाली लूप को ऑफ कर दिया। तो इसमें एक तो कंडीशन ये होती है कि आई बी जीरो है, आई बी जीरो है तो इसका मतलब है बेस टू मीटर जंक्शन भी काम नहीं कर रहा। बेस टू मीटर जंक्शन काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो भी रिवर्स बाइस है, ये जंक्शन रिवर्स बाइस है, बेस टू मीटर जंक्शन इज रिवर्स बाइस और बेस टू कलेक्टर तो पहले ही रिवर्स बाइस था। तो ये दोनों जंक्शन अगर रिवर्स बाइस हों तो हम कट ऑफ रीजन में होते हैं, वी आर इन कट ऑफ रीजन। तो अब आपने ट्रांजिस्टर के तीनों ऑपरेटिंग रीजन देख लिए। सेचुरेशन रीजन ग्राफ के ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है, ये देखिए, और ये वो रीजन है जिसमें करंट की वैल्यू तो बढ़ रही है कलेक्टर करंट की लेकिन वीसीई बहुत ही कम है और आप कह सकते हैं कि दोनों जंक्शन नियरली फॉरवर्ड बाइस हैं। एक्टिव रीजन वो रीजन है जिसमें ट्रांजिस्टर नॉर्मली ऑपरेट करता है, आईसी मैक्सिमम हो चुका है और इसमें एक जंक्शन बेस टू मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है और बेस टू कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस है और कलेक्टर करंट फिर कांस्टेंट रहेगा और बीसीई बढ़ती रहेगी। अच्छा, ब्रेकडाउन रीजन तक हमने नहीं जाना, ठीक है, वो ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन हमें वैसे पता होता है कि यहाँ तक ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा अगर हमने इससे ज़्यादा बढ़ाई तो वैल्यू। और कट ऑफ रीजन अलबत्ता इसमें ट्रांजिस्टर काम करता है, ये वो रीजन होता है जिसमें इनपुट लूप को ऑफ कर दिया जाता है यानी बेस टू मीटर जंक्शन को और भी रिवर्स बाइस कर दिया जाता है। तो अब इस सूरत के अंदर यहाँ पर आई बी जीरो है और करंट थोड़ा बहुत होगा जो रिवर्स करंट है इस रीजन के अंदर और इंतहाई कम वैल्यूज की होगी और इसलिए वो चूंकि उसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी इसलिए उसको मैंने जीरो से नीचे शो किया है। और ये रीजन कट ऑफ रीजन है और इस रीजन के अंदर जो बेस टू कलेक्टर और बेस टू मीटर दोनों ही रिवर्स बाइस होंगे। तो अगर दोनों जी जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हों तो सेचुरेशन रीजन होता है, एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और दूसरा रिवर्स बाइस हो तो एक्टिव रीजन होता है और अगर दोनों रीजन ही रिवर्स बाइस हों तो कट ऑफ रीजन होता है। तो ये तीनों रीजन्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला जो मेंशन करना था वो इन द आउटपुट लूप है और आउटपुट लूप में हम ट्रांजिस्टर की में डिसिपेट होने वाली पावर को भी डिस्कस करते हैं, यानी ट्रांजिस्टर जो पावर डिसिपेट करता है यानी कि ट्रांजिस्टर की जो पावर होती है उसको भी हम पावर डिसिपेटेड उसको भी आउटपुट लूप में हम डिस्कस करते हैं। तो आउटपुट लूप में ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो वी सी टू ई थी, यानी कलेक्टर से मीटर के दरमियान जो वोल्टेज थी वो वी सी टू ई थी और उस लूप के अंदर जो करंट था वो आई सी था। तो यहाँ ये वो पावर होती है जो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेटेड होती है। तो अगर ट्रांजिस्टर पावर निकालनी हो तो हमेशा इस लूप में निकालेंगे, पावर अक्रॉस ट्रांजिस्टर।
ओके okay. तो इस तरीके से हम ये इनपुट और आउटपुट जो लूप्स हैं उनमें हम उनको हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से उनको स्टडी करते हैं। और इसमें अगर आप ये देखें कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर के अक्रॉस बनने वाली डिफरेंट वोल्टेजेस जो हैं उनको हम किस तरीके से मैयर कर सकते हैं अगर हमारे पास एक वोल्ट मीटर हो। तो हम इसके मुख्य टर्मिनल्स के क्रॉस बनने वाली वोल्टेजेस को हम स्टडी कर सकते हैं और ये तो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से बेस टू एमीटर जो है वो वी बी माइनस वी ई होगी और वी बी आपको पता है कि वो वी बी क्या थी, ये अक्रॉस आर बी थी, आई बी आर बी। इसी तरह से बेस टू कलेक्टर जंक्शन की अगर बात करें तो वो वी बी माइनस वी सी होगी और वी सी जो है ये आपको पता है ये क्या है, वी सी जो है ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है जो आर सी रेजिस्टर है और दैट इज आई सी इंटू इंटू आर सी। ओके, और इनको निकालने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और ये फार्मूले जो हैं ये ऑपरेट करते हैं अगर हम कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हों। बात हो रही है ट्रांजिस्टर डीसी बायसिंग की जिसमें ट्रांजिस्टर को डीसी बायस किया गया है और उसमें हम देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के क्रॉस किस तरह से वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे और किस तरह से करंट्स होंगे, इनपुट करंट क्या होगा और आउटपुट करंट क्या होगा। ओके, अब ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए हम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने डायोड पे एक लोड लाइन बनाई थी इसी तरह से हम ट्रांजिस्टर की भी लोड लाइन को डिस्कस करते हैं। लोड लाइन हमें वो तमाम करंट और वोल्टेजेस के पॉइंट दे देती है जिन पे एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट करता है और हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये इसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं। ओके, तो अब लोड लाइन बनाने का क्या तरीका है, लोड लाइन जो है इसको ट्रांजिस्टर के कलेक्टर कर्व्स के ऊपर बनाया जाता है। लोड लाइन इज ड्रॉन, लोड लाइन इज ड्रॉन ऑन कलेक्टर कर्व्स। अब मैंने यहाँ पे कर्व की बात नहीं की, कर्व्स की है, इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर के बहुत सारे कलेक्टर कर्व्स बनाए जा सकते हैं और ये मैंने आपको बताया कि वो किस पे डिपेंड करते हैं, आई बी पर। तो अगर मैं आई बी की वैल्यू बढ़ाती जाऊँ तो मेरे पास डिफरेंट कलेक्टर कर्व्स आते चले जाएंगे। तो सपोज ये पहला कलेक्टर कर्व है, इसी तरह से ये दूसरा कलेक्टर कर्व हो सकता है और इसी तरह से ये तीसरा कलेक्टर कर्व हो सकता है एंड सिमिलरली आई कैन हैव फोर्थ कलेक्टर कर्व। अब यहाँ पर क्या चीज़ वेरी कर रही है, जो आई सी को वेरी करवा रही है दैट इज आई बी। तो मुमकिन है कि ये पहला कर्व जो है ये 10 माइक्रो एम्पियर पे हो और दूसरा जो कर्व है ये 20 माइक्रो एम्पियर पे हो और तीसरा जो कर्व है आई बी का ये 30 माइक्रो एम्पियर पे हो और फोर्थ कर्व जो है ये 40 माइक्रो एम्पियर पे हो। इट मीन्स कि मैं पॉसिबल वैल्यूज आई बी जितना भी वेरी कर सकता है उसको वेरी कर करके डिफरेंट कलेक्टर कर्व जनरेट कर सकती हूँ। अच्छा, ये आई सी है एंड दैट वुड बी इन मिली एम्पियर और ये वी सी टू ई है यानी कि ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज थी वो वी सी टू ई थी कलेक्टर पर। ओके, और ये वैल्यू थी 0। अब मैं किसी भी एक कर्व के लिहाज से यानी कि सपोज ये मेरे पास है वैल्यू, ये जो मेरा पॉइंट है ना दिस पॉइंट ये सेचुरेशन रीजन के अंदर है। इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वी सी ये तकरीबन 0 है और आपका जो करंट है वो यहाँ पर मैक्सिमम है, करंट कुछ भी है वो मैक्सिमम है, सपोज वो 5 मिली एम्पेयर है। ओके, तो अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर कट ऑफ पॉइंट लूँ तो आई विल बी इन सेचुरेशन रीजन और ये मेरा सेचुरेशन पॉइंट है यानी कि ये वो पॉइंट है जो जहाँ पर मुझे ट्रांजिस्टर मैक्सिमम करंट की वैल्यू दे रहा है और खुद कुछ भी वोल्टेज नहीं दे रहा आइडियली। सो इट मीन्स के ये जो सेचुरेशन पॉइंट है एक तरफ से मैंने इसको प्लॉट कर लिया। सो आई सी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, आई सी यहाँ पर मैक्सिमम होगा
और जो बी सी टू ई है वो नियरली जीरो होगा या वो बहुत ही कम होगा। और रीजन कौन सा है? सेचुरेशन रीजन। और पॉइंट कौन सा है? वो है सेचुरेशन पॉइंट। ओके, और इस तरह से अगर मैंने फाइंड करनी है दूसरी साइड पर वी सी ई को मैं मैक्सिमम कर देती हूँ, यानी कि आप कह रहे हैं कि वी सी ई बढ़कर अप्लाइड वोल्टेज जो भी थी वी सी सी उसके बराबर हो गई। और यहाँ पर आई सी जो है वो जीरो हो गया और वी सी ई मैक्सिमम हो गया। तो ये जो सेचुरेशन पॉइंट है इसमें ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, क्योंकि जब कोई चीज़ कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं ले रही होती तो वो शॉर्ट कंडीशन में होती है और उसमें करंट मैक्सिमम होता है। तो ट्रांजिस्टर इज शॉर्ट, लेकिन ये वो वाला शॉर्ट नहीं है जिसमें अनकंट्रोल्ड करंट फ्लो करे, बल्कि इसमें करंट मैक्सिमम है। ट्रांजिस्टर इज शॉर्ट और ये मैक्सिमम करंट दे रहा है और वोल्टेज कुछ भी नहीं ले रहा। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट हमने मार्क किया है एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर करंट जीरो हो गया, इसे हम कहते हैं कट ऑफ पॉइंट, यानी ट्रांजिस्टर ने काम करना बंद कर दिया। आईसी जीरो हो गया है और उस वक्त ट्रांजिस्टर ओपन है और सारी वोल्टेज उसके अक्रॉस चली गई है और ये तकरीबन अप्लाइड बैटरी के बराबर हो जाएगी। और ये कंडीशन ऐसी है जिसमें हम ट्रांजिस्टर को ओपन कहेंगे कि ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा, स्विच ऑफ हो गया है और ये ओपन है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेचुरेशन और कट ऑफ पॉइंट के दरमियान हम हमेशा लोड लाइन को ड्रॉ करते हैं और ये इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देगी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम जिसके अक्रॉस हम फिर लोड लाइन को कंसिडर कर सकेंगे। अब ट्रांजिस्टर पे जो भी आर सी और आई बी वैल्यू आर बी वैल्यूज हमने लगा रखी हैं उसमें जो भी आई सी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर कहीं पर लोड लाइन के ऊपर लोकेट करती होगी। और लोड लाइन के पर हम इसका ऑपरेटिंग जितने भी हम चाहें ऑपरेटिंग पॉइंट्स हम इस पर बना सकते हैं। और सपोज यहाँ पे सेंटर में अगर हमें ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहा है, इसे कहते हैं क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट, और ये आई सी और वी सी ई की कोई मखसूस वैल्यूज होंगी जिन पर ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा होगा और वो ट्रांजिस्टर की आर सी कंफिग्रेशन और उन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए निकाली जाएंगी, लेकिन वो वैल्यू इस लोड लाइन के ऊपर वाकया होगी और इन कलेक्टर कर्व्स के दरमियान में कहीं पे होगी। तो ये क्यू या क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं। क्यूसेंट का मतलब ये है कि जो चीज़ रेस्टिंग हो, यानी कि ट्रांजिस्टर इसमें सुकून से आराम से इसमें काम कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट है। और ये ऑपरेटिंग पॉइंट अगर हम पीछे से आई बी को कंट्रोल करें या आर बी को कंट्रोल करें या मुख्तलिफ उसके पैरामीटर कंट्रोल करें तो ये क्यू पॉइंट आगे पीछे मूव करता रहता है इसके ऊपर ट्रांजिस्टर पे। तो अगर ये क्यू पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये कट ऑफ रीजन की तरफ जा रहा है, अगर ये क्यू पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये सेचुरेशन रीजन की तरफ जा रहा है, और अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है ये सेंटर में कहीं पे मौजूद है तो ये एक्टिव रीजन में है। तो ये क्यू पॉइंट ट्रांजिस्टर के तीनों रीजन्स को डिपिक्ट कर सकता है, तीनों रीजन्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। और हम इस क्यू पॉइंट को देखते हुए ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में काम कर रहा है या ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है या ट्रांजिस्टर इस वक्त एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। तो इन तीनों रीजन्स के अंदर ट्रांजिस्टर की डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर हमेशा एम्पलीफायर का काम करता है, और कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन जो होते हैं इनमें आमतौर पर ट्रांजिस्टर बल्कि कट ऑफ रीजन की अगर ज़्यादा बात करें तो इनमें ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करता है, यानी कि ये दो रीजन ऐसे हैं जिनमें ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ करता है, जीरो और वन बिट को ट्रांसफर करता है। लेकिन जो एक्टिव रीजन है, अगर ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन के अंदर है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर काम करेगा, करंट वोल्टेज या पावर इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को एम्पलीफाई करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स एप्लीकेशन, बट इट विल बी एन एम्पलीफायर। तो अब इसलिए ये रीजन इंपॉर्टेंट हैं कि ये ट्रांजिस्टर के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ट्रांजिस्टर का जो मेन फंक्शन है वो स्विचिंग है और एम्पलीफिकेशन है। तो ये दो फंक्शंस जो हैं इन्हीं से फिर हम ट्रांजिस्टर के डिफरेंट मजीद फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, और बेसिक फंक्शंस ये हैं और क्यू पॉइंट की मदद से हम इनको इनको जो है वो रिकग्नाइज करते हैं। तो अब आपने देखा कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जो है वो जो लूप एनालिसिस है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जो है वो हमने इसके
कलेक्टर कर्व्स को बनाकर देखा, हमने इसके बेस कर्व्स को बनाकर देखा, और कलेक्टर कर्व जो है ये ट्रांजिस्टर के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कलेक्टर कर्व्स जो होते हैं ये डिफरेंट बेस करंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और बेस करंट एक कलेक्टर कर्व के लिए कांस्टेंट रहता है, और अगर आप बेस करंट को बढ़ा दें तो कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा और नया कलेक्टर कर्व हमें हासिल होगा। और अगर हम उसमें सेचुरेशन पॉइंट लें जो कि ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम करंट है, और ये सेचुरेशन पॉइंट हम किसी एक भी कलेक्टर कर्व के लिहाज से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस कलेक्टर कर्व से लेकर इसके जो वैल्यू है ये एक नई लोड लाइन इस पर बना सकती हूँ। इसी तरह से ये दूसरा कलेक्टर कर्व अगर ले लूँ इसके लिहाज से देखूँ तो ये लिया जा सकता है। लेकिन जो सबसे सूटेबल जो जो इसमें तरीका है वो ये है कि ट्रांजिस्टर के तमाम पॉसिबल बेस करंट्स के ऊपर इसके तमाम कलेक्टर कर्व ड्रॉ कर लिए जाएं, और फिर जो टॉप मोस्ट कलेक्टर कर्व है उससे लेकर उसके बेस तक जो की जाए वो फिर ट्रांजिस्टर के की कंप्लीट पिक्चर को एक्सप्लेन करती है। और इस तरीके से हम इसका क्यू पॉइंट इन जनरल जो है एक्चुअल क्यू पॉइंट उसका वो डिफाइन कर सकते हैं। तो क्यू पॉइंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो सेचुरेशन रीजन की तरफ जा रहा है, और अगर क्यू पॉइंट जो है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है तो वो कट ऑफ रीजन की तरफ जा रहा है, और अगर क्यू पॉइंट दरमियान में है तो इसका मतलब है वो एक्टिव रीजन में है। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर का काम करना है, और कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ स्विच काम करता है। तो इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर जो है उसकी हमने डीसी बायसिंग को स्टडी किया। और अगर मैं आईसी फाइंड करना चाहूँ ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो जो भी ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन होगी और जिसमें आरसी की वैल्यू कुछ भी हमने कनेक्ट की हुई है, तो डेफिनेटली आईसी वुड बी इक्वल टू वीसी ओवर ओवर आरसी। और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब ट्रांजिस्टर जो है वो खुद कोई वोल्टेज नहीं ले रहा तो उस वक्त सारी वोल्टेज आरसी के क्रॉस ड्रॉप हो रही होती है, क्योंकि आउटपुट लूप जो है आउटपुट लूप उसमें दो जगह पर वोल्टेज डिवाइड हो रही है, एक तो आरसी में और एक कलेक्टर से मीटर जंक्शन के दरमियान। तो ये NPN ट्रांजिस्टर के लिए आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। और इसी तरह से ये वैल्यू होगी IC की, और VC टू E की वैल्यू जो है वो भी हम ले सकते हैं। VC टू E की वैल्यू इसमें होगी VCCC माइनस VC, और we can also calculate it like this, IC, RC. तो ये जो भी values यहाँ पर मौजूद हैं वो transistor के operating point को show कर रही होंगी, यानी कि transistor का वो जो operating point है, जो IC आएगा हमारे पास calculate करने से और जो VCE हमें हासिल होगा वो हम यहाँ पर कहीं पर locate कर सकते हैं, वो load line के ऊपर वाक़ होगा और वो ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को और यानी कि ट्रांजिस्टर के ऑपरेशनल वैल्यूज को शो कर रहा होगा। अगर मैं आरसी कम कर दूं तो आईसी बढ़ जाएगा, अगर मैं आईबी कम कर दूं तो आईसी बढ़ जाएगा। आईसी अगर बढ़ जाएगा तो हम सेचुरेशन रीजन की तरफ जाएंगे, आईसी अगर कम हो जाएगा तो हम कट ऑफ रीजन की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हुए हम जो है ना वो ट्रांजिस्टर के डिफरेंट रीजन को ऑपरेट कर सकते हैं, और इस तरह से ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो आज हमने ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की हैं ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से हैं। इसी तरह से हम कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस को भी गो थ्रू करेंगे, उसमें शायद तफसील थोड़ी कम हो क्योंकि ज़्यादा डिटेल जो है जिसमें हमने चीज़ों को क्लियर किया है दैट वुड बी दैट इज़ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और लेटर ऑन वी विल ऑल्सो डिस्कस कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बिफोर वी मूव ऑन टू इट्स एप्लीकेशंस। तो आज हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उससे रिलेटेड तमाम फार्मूले और उनके जो बेस और कलेक्टर कर्व्स और उनके ऊपर जो ड्रॉ की जाने वाली लोड लाइन और फिर उस लोड लाइन से निकाला जाने वाला क्यू पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस किया।